दोस्तों कंप्यूटर तो आप काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हो गए बट क्या आपको पता है कि कब हमें इसे शट डाउन करना चाहिए कब इसे हमें स्लीप करना चाहिए या फिर कब इसे हमें हाइबरनेट करना चाहिए चलिए मैं आपको फ्लावर से बताता हूँ दोस्तों शट डाउन हम कंप्यूटर को तब करते हैं जब हमारा सारा काम हो चुका होता है सारी एप्लीकेशन जब हमें क्लोज करनी हो और सारे डॉक्यूमेंट्स हमें क्लोज करने हो तो हम इसे शट डाउन करेंगे स्लीप हम तब करते हैं फॉर एग्जाम्पल जब आपको किसी मीटिंग के लिए जाना हो या फिर लंच के लिए जाना हो और आप सारा काम वहीं छोड़ के जाना चाहते हैं यानी कि आप अपने एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट को क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो आप स्लीप का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे स्लीप में क्या होगा सारा जो डेटा है वो आपके रैम के अंदर स्टोर होगा और जैसे आप इसे वापस ऑन करेंगे तो आपको सारी चीज वहीं से ही ओपन मिलेंगी जहां से आपने इसे छोड़ा था पर दोस्तों स्लीप मोड का ड्रॉबैक है है कि कि इसे पावर रिक्वायर्ड होती यानी अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो ये उसकी बैटरी जरूर लेता रहेगा बैकग्राउंड में या फिर पीसी आप चला रहे हैं तो वहां पर इसे ऑन छोड़ना जरूरी होता है एंड दोस्तों यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन आता है हाइबरनेट हाइबरनेट के अंदर बेसिकली दोस्तों सारा काम सेम होता है अगर आपको अपने कंप्यूटर को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ के जाना है सारा का सारा काम आप चाहते हैं कि एज इट इज रहे कोई भी डॉक्यूमेंट

आप वहीं से उसे वॉच कर सकते हैं तो लाइक दिस वीडियो तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में तक बाय नेक्स्ट टाइम